नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई सांप चुचुंदर वाली है। उगले या निगले उसे समझ में नहीं आ रहा। वो राज्यसभा के अभी जो है धोखे से उभरी ही नहीं थी जेएमएम की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भी फिर से उसे जेएमएम ने, मुख्यमंत्री ने धोखा दे दिया है, दिल तोड़ दिया है। जिसे कांग्रेस दोस्त बताती थी, जिसके साथ सरकार चला रही है, वो एक के बाद एक अपने फैसले से कांग्रेस नेताओं को झटके दे रही है। आपको पता ही है कि कल जिस तरीके से जेएमएम ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए ऐलान कर दिया है, और आपको पता है कि जो कांग्रेस के और यूपीए के विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो आने वाले हैं रांची। उससे पहले जिस तरीके से ऐलान हुआ, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका झटका लगा होगा, और ये सारी चीज़ें उसे समझ में भी आ रही होगी। हालांकि हेमंत सोरेन को एनडीए का समर्थन देना ये नई बात नहीं है, ये बात उस दिन ही क्लियर हो गया था जब मुख्यमंत्री समर्थन देने के नाम पर जाकर गृह मंत्री से मिले थे, और उनके लोगों ने बताया था कि हम समर्थन देने के मतलब शर्त हैं कुछ, मतलब हमारी कुछ ग्रीवांसेस है, इसलिए हम पहले गृह मंत्री से मिलेंगे, इसके बाद समर्थन देंगे। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो जेएमएम है वो बीजेपी के साथ जाने वाली है, और अंदर कहे कहीं ना कहीं वो डील चल रहा है, और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। अंदेशा पहले ही लगाया जा चुका है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और जेएमएम के सुर बदले हुए हैं, और देवघर में जब प्रधानमंत्री आते हैं उसके बाद सब कुछ साफ हो गया था। तो अब झारखंड में अभी तक जो अंदाज आप लगा रहे थे, पिछले 2.5 साल से आप सुन रहे थे ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार गिरने वाली है, अब आपको बहुत जल्दी हो, अब कोई सरकार गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दोनों दल अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो जो आप कह रहे थे अब वो होते हुए दिखेगा, इसलिए कि कांग्रेस अगर समर्थन करती भी है तो अपने कैडरों को क्या कहेगी, अपने विधायकों को क्या समझाएगी। और राज्यसभा के समय आपने देखा किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने एक तरीके से सरकार से नाराज़गी दिखाई थी, तीखे बयान दिए थे, आलोचना किए थे, और राष्ट्रपति चुनाव के बाद तो एक तरीके से सब कुछ अब साफ हो गया है कि अब जेएमएम कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि वो बीजेपी के साथ है। इसके पीछे आप ईडीआई का डर बोलिए, सीबीआई का डर बोलिए, या महाराष्ट्र का जो कुछ हुआ जिस तरीके से उसका डर बोलिए, लेकिन अब कुछ क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद पूरी स्क्रिप्ट रणनीति तैयार है, अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है, और यहाँ नई सरकार भी आपको पता ही है कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को जिस तरीके से बुलाया गया, मतलब एक तरीके से वो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है भूमिका, और वहाँ जाकर वो गृह मंत्री से मिलते हैं और झारखंड के बारे में कहते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में जामताड़ा गढ़वा और इस तरीके में वहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है, और उस पर गृह मंत्री कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री को पहले ही बता दिया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए तुष्टीकरण वाली। तो ये तमाम समीके कहीं ना कहीं वो भूमिका तैयार हो रही है, और इसमें नेताओं का बयान काम आएगा, इसलिए कांग्रेस के जो सुर हैं एक तरीके से सख्त हैं। हालाँकि वो अभी भी आला कमान के निर्देश का इंतज़ार कर रही है कि आखिर करना क्या है, और आला कमान भी राष्ट्रपति चुनाव के बाद आपको सारी कुछ देखने और सुनने को मिलेगी। तो झारखंड में एक बार सरकार बदलने की जो परंपरा थी वो फिर से जो है परंपरा वो बनी रहेगी। केवल एक ही सरकार थी जो पिछली सरकार जो 5 साल चला सकी नहीं, तभी तक जितनी भी सरकारें बनी थी 2.5 साल 13 महीने जो है ऐसे करके गिरती रही है, कोई 1 साल बाद वो परंपरा फिर से वो बरकरार रहेगी। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। आप जेएमएम की जो समर्थन को राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से देखते हैं उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।